मॉर्निंग। तो आज के मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है और अभी हम जा रहे हैं भात देखने। जैसे टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा, तो भात देखने जा रहे हैं सियाराम मेरीज गार्डन। जस्ट 2 मिनट के रास्ते में ही है हमारे घर के पास ही। और इधर आप देख सकते हैं मम्मा भी जा रहे हैं। हेलो मम्मी। हेलो मम्मी। तो हेलो हेलो और हेलो गाइज कहती कहती आगती हूँ जैना। हेलो गाइज। तो चले अब तो सामने आप देख सकते हैं सभी गीत वगैरह गा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मैं लेट नहीं हुई क्योंकि अभी तक भात पहनना स्टार्ट भी नहीं हुआ। और चलते हैं अंदर। तो जैसे तैसे मैं अंदर आ चुकी हूँ और सामने मैंने देखा कलश वाला फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो ये कलश वाला फंक्शन मैं आपको दिखाऊंगी, ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था क्योंकि मैंने तो सोचा था मैं भात ही दिखाऊंगी क्योंकि भात के लिए भी हम लेट हो गए थे। तो ये वाला फंक्शन तो भात से भी पहले हो जाता है, मुझे नहीं पता था। और ये वाला फंक्शन क्या कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये वाला फंक्शन होता है जो घर की जो बेटियाँ है ना वो कलश लेके आती है और फिर ये कलश है ना अपने पति मतलब जवाईसा को दिया जाता है। तो सामने जवाईसा का ही वेट हो रहा है, वो आ जाए फिर उसके बाद में ये वाला फंक्शन फिनिश हो जाएगा। इसके बाद में आपको भात दिखाया जाएगा, भात में क्या क्या आया है वो भी सारी चीज़ें दिखाई जाएगी। तो बिना स्किप किए पूरा व्लॉग देखना आप। और सामने आप मम्मी को देख सकते हो। मम्मी को क्या हमारे सुनीता जीजा नज़र आ गए थे, मतलब मम्मी के जेठूती लगे ना, तो वहाँ हम पहुँचे हैं। और जीजा अभी बस 5-10 मिनट पहले ही आए हैं और हमारे जो बड़े मम्मी हैं वो खाना खाने गए। पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि जीजा आने वाले हैं, मैं सोच रही थी जीजा नहीं आ रहे उल्लू बना रहे हैं, बट जीजा पहुँच चुके हैं आप देख सकते हो। मैंने सोचा जीजा पता है कि है ना आप नहीं आओगे, मैंने ये सोचा कि आप नहीं आओगे, कुछ देर सामने भेज दिया था ना और कन्यादान भी भेज दिया हमने, तो फिर कैसे आया आप? सरप्राइज। तो जीजा ने हमें सरप्राइज दिया आप देख सकते हो। हाँ सबसे बड़े ननद है, वैसे तो मैंने सब कुछ बता दिया सबको। मेरे 2 ही ननद है, एक ज्योति भाईसा है और एक सुनीता जीजा है। सुनीता जीजा सामने आप देख सकते हो। और जीजा बताओ बना बना है ना, माल को पकड़ के बैठे हैं। कब आया आप? मुझे 1 बजे आया। चलो मैं दिखाती हूँ आपको। जो भात में आया था ना सेट वो जीजा लेके बैठे थे, तो फिर मैंने सोचा चलो आपको भी दिखा देती हूँ। तो ये वाला सेट आया है जो बनड़ी है ना उनकी मम्मा हुकुम के लिए, और फिर उसके बाद में हसली आई है, ये वाली हसली आई है बनड़ी के लिए। बहुत ही प्यारी डिज़ाइन लगी मुझे, आप भी कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। और सब सेट हो जाएगा ना फिर उसके बाद में आपको अच्छे से दिखाऊंगी। तो हमारे जीजा को लग रही थी भूख और बोला बीनी पहले अपन खाना जिम के आएंगे फिर उसके बाद में अपन आगे का देखेंगे कि
क्योंकि वहाँ पे भात वगैरह सेट हो रहा है, उतनी देर में हम खाना खा के और अंदर चले जाएंगे। तो अभी हम खाना खा रहे हैं, ये मम्मा हुकुम है और ये हमारे सुनीता जीजा है और मैं कैमरे के पीछे हूँ, तो चले। जवाब तो मैं कुछ नहीं, जवाब तो मैं सबका देती हूँ। मेरा नहीं आया अब नंबर लेके हाँ आप नंबर हाँ व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, वैसे तो मैं रिप्लाई तो सबके ही देती हूँ। अच्छा आपकी चपाती में लेके आई बड़ी मेली ने पतली है, पतली है खाले से तो बस देखो पतली से मतलब मैं सुनता वीडियो ना ले देखिए। खाना वगैरह हमारा हो चुका है, खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और अंदर आने के बाद में पता चला कि भात रेडी हो चुका है। सामने आप देख सकते हो ऑल ओवर सूट थे और सब की डिज़ाइन सेम टू सेम थी, ऐसा नहीं था कि घर से निकाले हुए हैं, फैब्रिक भी बहुत ही अच्छा था। और ये दो पोशाकें थी, एक बन्नड़ी की थी और एक बन्नड़ी के मम्मा हुकुम के लिए थी और पैंट शर्ट और साफे भी थे आप सामने देख सकते हो। और गोल्ड में भी वैसे तो मैंने आपको दिखा दिया है, फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पर सेट होने के बाद में कैसा लगेगा। और सामने आप देख सकते हैं मम्मा हुकुम और जीजा भी देख रहे हैं, बहुत ही मतलब आपको पता ही है सारी लेडीज ऐसे गौर से देखती है, तो अभी तक कोई भी आया नहीं है, बस हम ही पहले देख रहे हैं। चलो अब चलते हैं गोल्ड के पास, गोल्ड में क्या क्या आया है वो तो मैंने आपको बता दिया था, फिर भी मैं बता देती हूँ आपको। एक तो सेट बन्नड़ी के लिए है जो कि हसली है, और एक सेट है ना बन्नड़ी की मम्मा हुकुम के लिए है, दो पाजेब थी, और फिर उसके बाद में चलो उस वाले थाल पर भी आपको दिखाया जाएगा क्योंकि वो वाला थाल तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं था। तो ये वाली हसली थी, हसली की डिज़ाइन मुझे तो बहुत ही प्यारी लगी और सेट की भी डिज़ाइन बहुत अच्छी थी। चलो दूसरे थाल के ऊपर चलते हैं अपन, क्योंकि वो वाला थाल मैंने आपको नहीं दिखाया था। दो पाजेब थी जो एक बन्नड़ी की है और एक बन्नड़ी की मम्मा हुकुम के लिए है, और दो रिंग थी, एक जवाइंसा के लिए थी और एक हमारे बन्नड़ी के पापा हुकुम के लिए थी। एक पाजेब भी थी, पता नहीं वो किसके लिए थी मुझे नहीं पता था। कैश भी था, आप सब सामने देख सकते हो। सामने आप देख सकते हो काकी और जेठू जी की बातें चल रही है यहाँ पे, बातें क्या कर रही है ये तो मुझे भी नहीं पता, मम्मी ऐसे बोली बहुत ही अच्छा। तो कैसा लगा आपको भात? बहुत अच्छा लगा, खूब अच्छा लगा। अब हेलो गाइस कर दी, हेलो गाइस। मम्मी थोड़ा लाउडली नहीं बोल रही क्योंकि यहाँ पे सब मेहमान है ना, नहीं था थोड़ा नर्वस हो रही है मम्मी, नर्वस हो जाती है। मैं जैसे में रहती हूँ, रहती है आप रहते हो? हाँ, तो इतना छोटा है, सब जानते हैं एक दूसरे को। तो सामने कौन है ये तो आप पहचान ही गए होंगे क्योंकि मैंने बन्नड़ी का डांस डाला था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सारे कमेंट आए थे कि बन्नड़ी ने डांस बहुत ही अच्छा किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आज हमारी बन्नड़ी ऐसे लग रही है, रेड कलर का उन्होंने सूट पहन रखा है और अभी फोटोशूट चल रही है, अपने मामू साहब हुकुम की फोटो खींच रहे हैं वो। तो यहाँ पे क्या बातें चल रही है ये तो आप सबको नहीं पता चलेगा क्योंकि वीडियो में क्या ही पता चलता है, मैं बता देती हूँ आपको। तो बन्नड़ी के मामोसा हुकुम है और मम्मा हुकुम है जो कि टीकते हैं ना, तो यहाँ पे क्या उनके मामू साहब बहुत ही ज़्यादा, उनकी हाइट थी बहुत ही ज़्यादा लंबे थे, तो उन्होंने बोला कि मैं ना बाजोट पे खड़ा नहीं होऊंगा, नहीं तो और भी ज़्यादा लंबा लगूंगा। तो अब फाइनली हमारे जो बन्नड़ी के मामू साहब हुकुम है ना वो बाजोट पे खड़े हो चुके हैं।
तो फंक्शन मैंने आपको सारा दिखा दिया है, भात भी दिखा दिया, भात में क्या क्या आया था, और फिर उसके बाद में कलश की पूजा हुई थी वो भी दिखा दी, भात टीकते हैं वो वाली चीज़ें भी दिखा दी आपको, खाना वगैरह क्या क्या था, क्या क्या वैरायटी थी, टेस्ट में कैसा था, वो भी सारी चीज़ें मैंने बता दी। तो अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं घर पर, क्योंकि घर पर जाके चाय वगैरह भी बनानी है, पापा हुकुम हमारा वेट कर रहे हैं, तो चलें। सब कुछ पता चल गया मुझे, चल चल होमवर्क कर ले, मैं आने वाली है अब, बस ऋषभ को यही है किताबें तो उसमें है, गाड़ी में चल ले, क्या चाबी लेके जा, क्या तूने होमवर्क किया था क्या ट्यूशन का कल, अगर तूने कर लिया तो हो गया, चलो। तो फटाफट से जाके ऋषभ को ट्यूशन भी करवानी है, क्योंकि ट्यूशन वाले मैम आने वाली है, इसने होमवर्क भी नहीं कर रखा, होमवर्क करवाऊंगी, उसके बाद में हमारे सुनीता जीजा आएंगे घर पे, तो व्लॉग में कंटिन्यू रहना, अभी तक व्लॉग फिनिश नहीं हुआ। हमारे जीजा आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, पहले मैं पगा लगूंगी जीजा के, और मम्मी मम्मा मेरा ना वीडियो बनाएंगे, हैं मम्मा बना दोगे? हाँ। पक्का? पक्का। तो आओ, आपको आना पड़ेगा, खुश रहो, कमाई में बात पड़ो, जीजा मर खा जाओ लग जा। तो आप भी जाओ मम्मी, बैठ जाओ, आपके जेठूती कन जेठूती है ना। तो मम्मा आप बताना चाहोगे, जीजा की शादी मेरे आने से पहले ही हो गई, हाँ। क्या क्या हुआ था जीजा की शादी में? बच्चे धूमधाम से, धूमधाम से हुई है, पर जीजा थे पहले क्यों करा लिया, मेरा मेरा ब्याह बाद में करवाता ने? मैं फर्स्ट शादी थी ना, तब ने सबने खूब वार्ड कोड किए, नहीं फिर होते नहीं, होते नहीं। अच्छा, सेकंड शादी में फिर वो मजा है, जैसे मैं थी तब। हाँ। अच्छा, मम्मी ये कह रही है कि मैं ही थे, सारे काम मम्मी ने किए थे, भाभी सोचते आपने देखा ही था, मेरे जीजा हुकुम आए थे, अभी बस उनको सी ऑफ करने जाएंगे, और वैसे मैं भी साथ में ही चल रही हूँ, वो जा रहे हैं जीजा हेजल को देखने, और कंटिन्यू रहना व्लॉग में, आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लग रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे आप व्लॉग को, ठीक है चले फटाफट से। हाँ, क्या चाहिए इसको, क्या चाहिए, और कुछ चाहिए? अभी मैं और मम्मी और जीजा पहुंच गए अर्जुन मना वाले फ्लैट पे, मेरा भागम भागी रहता है यार पूरे दिन, इधर उधर इधर उधर, ये मेरा किचुला जो पैदल ही चलता है बेचारा, क्या ही करे, है किचा स्लीपर तो खोल ही देता है ये, ओए कौन आया, ये बड़ी बुआ है आपकी, तो बुआ ही बुआ आ रही है इस महीने, है रे हेजलू, हेजलू कंफ्यूज है भाई, कितनी बुआ सी, ते तो दो ही है बुआ, और था को बेस है, अभी तो यही ले लियो, अच्छा दर्शन सर्दी का, तो अब बैठती क्या, बैठ 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 बहुत मम्मी दीदी दिया हमको कहते कि आई भी कौन बेस के बस समझो जा कौन के पहले के मेरे बेस। अच्छा अच्छा, एक और पछला शो का तुम्हारा बेटा और के नाम किस 500 रुपए दिया पिछला 500 रुपए में तो कर दा मंगा, हां हाथ में दिया, मैं तले ही बिल भी आ लेंगे, अच्छा बस 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 बस, चलो आ जाओ, चलो जीजा हो गए अब रेडी, रेडी चले पिटारा, चलो अब चलो, तो चलते हैं जीजा को छोड़ने, गार्डन में जा रहे हैं जीजा, क्या बोल रहे हो मम्मी, तो माल ले लियो, तो जीजा थे रुके को नहीं यार, कहीं के आई को नहीं जी पे नहीं थे तो विदा कर दिया, कोई नहीं फिर आऊंगी, पक्का पक्का, अब क्या जयपुर में जब भी आओ ना तो आपने आना है, ठीक है जयपुर में आपकी आना मना रहा हूँ, हाँ ये मेरा पल्लू इधर उधर जा रहा है, चले आ जाओ, चलो जीजा को छोड़ती हूँ ना मैं, हाँ मम्मी मैं छोड़ के आ रही हूँ ना,
अच्छा ठीक है चीजा बाय, शाम को आ रही हूँ मैं ना। तो चीजा को मैंने छोड़ दिया। अब सुरभि का फोन आया था, काफी दिन हो गए यार सुरभि से मिले हुए, तो बस 5 मिनट में सुरभि के पास जाके आ रही हूँ। मैं 5 मिनट के लिए तेरे पास आ गई है ना, काफी दिन हो गए यार तेरे से मिले हुए, फिर मैंने सोचा शादी से ही शादी नहीं है। हाँ कम से कम कितने दिन हो गए, 10 दिन हो गए ना, क्या बोलते हैं, हाँ 10 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। हाँ हो रही है खतरनाक। और पता है मैं शादी के अंदर से आई हूँ, किसी को बता के भी नहीं आई, बस मेरे से मिलने के लिए, तेरे से मिलने के लिए। जीजा है सुनीता जीजा, उनको छोड़ने गई थी शादी में, फिर बीच में ही आ गई, मम्मी को किसी को भी नहीं पता, अब व्लॉग में पता चलेगा, मम्मा सॉरी। बहुत दिन हो गया हमारा प्यार। अच्छा ये वाला प्रिंट आया क्या, अच्छा लग रहा है पाग में, ये वाला भी अच्छा है, ये भी हाँ यार ये भी अच्छा है, इसका इसका डिजाइन ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो वाला तो फिर भी ये ना 2-3 साल से चल रहा है, ये वाला प्यारा लग रहा है। और बता मेरी याद आई तुझे बहुत ज्यादा, बहुत। और ससुराल कब जा रही है सबको, बस 5-10 मिनट में मेरी तरह निकलने वाली है ना अब। हाँ यार थोड़ा सा अभी बाहर जाऊंगी, बता देती हूँ आगे प्रीति सुजा क्या करके आई है काम, आप लोग पता नहीं होगा काम करके आई है। हाँ क्या काम करके आई है, उल्टी ओढ़ नहीं ओढ़ के आगे पता नहीं है, ये तो बताए आसपास के लोग, ये देखो देख लो आप, ओढ़ना उल्टा ओढ़ लिया मैंने। नहीं वैसे आपने व्लॉग में देखा था ना सुनीता जी जा गए तो ना मैं ट्यूशन करवा रही थी, सुनीता जी जा गए फटाफट से मैंने ओढ़ना ओढ़ा। तो आपकी प्रीति सुजा देखो कैसी है, उल्टी ओढ़ नहीं ओढ़ी जाती है, दुकान चला लिया उल्टी तो उल्टी हो जाएगी। तो ये दुकान नहीं चला रही है मेरे आने के बाद में, पता है एक तो अपनी शॉप पे ध्यान नहीं देती, इसलिए मैंने कम कर दिया तेरे पास आने। मैं दुकान ही अभी खोली हूँ। तो एंडिंग कर देती हूँ मैं व्लॉग की भी। सो गाइज आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को, और ये व्लॉग कल आता है ना तो फाग उस समय जरूर बता रहे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ये व्लॉग, सॉरी लेट आएगा फाग उस समय आप लोग आके जा चुके होंगे, आके जा चुके होंगे।